मथुरा के छाता क्षेत्र में बनी बसंत ऑयल कंपनी अब किसानों के लिए कहर बन चुकी है। हम आपको बता दें कि बसंत फैक्ट्री के पीछे किसानों के खेत हैं, जिसमें उनकी फसल है। बसंत ऑयल कंपनी के मालिक ने बिना किसी परमिशन के उनके खेत को जाने वाली सरकारी रास्ते को जेसीबी द्वारा खुदवा दिया और पानी की पाइपलाइन डलवा दी। इतना ही नहीं, कंपनी के मालिक ने 100 फीट का समरसेबल बोर भी लगवा दिया, जिसकी वजह से किसानों के आसपास के बोरों का पानी वह 100 फीट वाला बोर सोख लेता है और किसानों के बोर से पानी खत्म हो जाता है, जबकि वहां आसपास ना तो कोई नाला है ना ही कोई ऐसी नहर जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई हो सके। किसानों के बोर सिर्फ 60 फीट पर लगे हुए हैं। ऐसे में किसानों की फसल सूख रही है और इस ओर कोई भी शासन व प्रशासन का अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की, लेकिन किसानों की फिर भी नहीं सुनी गई। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो वहां पुलिस पहुंची और उल्टा किसानों को ही अपने साथ ले गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या किसान के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा या उन्हें न्याय मिलेगा। वैसे तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत कुछ इसी तरह की है। किसान मौसमों की परवाह करते हुए तरह तरह की मुसीबतें झेलकर फसलें उगाते हैं। जाड़े में जब कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए हम ब्लोअर के सामने बैठे होते हैं, तब वे अपने गेहूं की फसल को सींचने के लिए ठंडे ठंडे पानी को खेत के हर हिस्से में पहुंचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। फसल में कभी रोग लग जाता है तो कभी आग। साल भर की मेहनत पल भर में बर्बाद हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं किसानों के हित में चल रही है, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं हो पाती। इतना सब होते हुए भी किसान अपने खेतों से सोना उगाता है और कभी कभी खुद की परेशानियों से इतना घिर जाता है कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ती है। किसान इस देश के सबसे बड़े वोट बैंक हैं, लेकिन किसानों की समस्या को ठीक से समझने के लिए और उन्हें दूर करने के लिए किसी ने भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि किसानों के साथ क्या इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा या फिर उन्हें न्याय मिलेगा। जब हमारी मंच न्यूज की टीम उन किसानों तक पहुंची, तो उन किसानों ने अपना दुख किस तरह से बताया, आप सुन लीजिए। छाता से हमारे संवाददाता भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। कहाँ के रहने वाले हो? गोहारी। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर, बसंत ऑयल कंपनी है ये जो नई खुल रही है, इसने जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के ये सरकारी चक्रों डाली हमारे खेतों के लिए। इसमें पाइपलाइन डाली है जेसीबी से खुदवा कर, जिससे कि हमारी पूरी चक्रोड बेकार हो रही है और बारिश में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इससे गड्ढे हो जाएंगे बहुत बड़े बड़े, जिससे हमारे वाहन आने में जाने में बहुत ही समस्या होगी। दूसरा, इसने एक बोर किया है 10 इंची का और लगभग 100-150 फट पे ये बोर किया है, इससे हमें इतनी परेशानी है बोर से। और पास ही में बिल्कुल 30-40 मीटर की दूरी पर हमारा बोर है, ये रहा। तो यहाँ पानी से पहले ही इतनी समस्या है कि सर देखो, कम से कम 10-12 फुट नीचे पंखा हमें लगाना पड़ता है पानी के लिए, और फिर भी बिल्कुल ऐसे पानी चलता है बहुत धीमे धीमे, पूरे दिन में थोड़ा सा खेत भरता है। अब ये बोर चला दिया है इन्होंने, ये 24 घंटे बोर चलेगा इनका, तो हमारे बोर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। हम बिल्कुल किसान आदमी हैं, देखो कैसे फसल सूख रही है, पानी भी नहीं दे पा रहे हैं इसमें। कितने इंची बोर किया है इन्होंने? 10 इंची बोर किया है। तो 24 घंटे चलता है? 24 घंटे। तो आपकी जो बोरिंग है उनमें पानी नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहा और नहीं रहेगा। तो आपने कहीं शिकायत की कोई? शिकायत की है, मैंने SDM सर को एक लेटर दिया था, उन्होंने ऑर्डर भी किए हैं, लेकिन आगे कोई कभी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है आगे। क्या नाम है तुम्हारा? परमा। कहाँ के रहने वाले हो? गोहारी। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या ये बोर करो फैक्ट्री बारे में और रास्ता की रास्ता खराब कर दिया। हाँ। कौन सी कंपनी है ये? वो कजर रिफंड बसंत ऑयल। हाँ। अच्छा, इसने यहाँ पे बोर किया है? हमने। तो उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है आपको? छोटा नीचे चले गए पानी के चौहान, अब हम पानी ना उठावे बोरिंग। समस्या ये है, फसल सूख रही है फसल। हाँ। अच्छा, फिर अब आप क्या चाहते हो? कहा चाहिए ये बंद होना चाहिए, बोर बंद होना चाहिए और का? तो आपकी फसल नष्ट हो गई तो बड़ी समस्या आएगी। बिल्कुल। अब BJP की सरकार चल रही है, आप खुश हो इस सरकार से? अरे खुश तो नेक भी ना है, जब कचकारी ना रही कुछ नहीं कर पा रही ना, किसानों की नहीं सुन रही तो क्या? किसानों की ना सुन रही, अब आत्महत्या कर ले किसान। बिल्कुल। नाउ
The RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.